हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। एपीएम ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम फोन डायलर को कैसे ऑटोमेट करेंगे, उसके लिए हम ऑटोमेशन कोड कैसे राइट करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाउ टू ऑटोमेट एंड्रॉइड फोन डायलर। मोबाइल फोन में जो डायलर एप्लीकेशन होता है हम उसको ऑटोमेट करेंगे, जिससे हम फोन नंबर डायल करते हैं ना, जिसमें हम किसी भी मोबाइल नंबर पे कॉल करते हैं, वो डायलर एप्लीकेशन होता है उसको हम ऑटोमेट करेंगे। तो हम फोन डायलर को ओपन करेंगे और हम उसमें एक नंबर डायल करेंगे और उस पर हम कॉल करेंगे। इस सारे प्रोसेस को हम कोड के थ्रू ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एपीएम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने टाइप किया एपीएम, जिससे कि एपीएम सर्वर स्टार्ट हो जाए। एपीएम सर्वर स्टार्ट हो गया, अब इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। एपीएम सर्वर स्टार्ट करने के बाद अब हम हमारे रियल डिवाइस को, जो हमारा एंड्रॉइड फोन है, मोबाइल डिवाइस है, उसको हम हमारे लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कनेक्ट करेंगे चार्जिंग केबल के थ्रू। तो मैं इसको कनेक्ट कर रही हूं। अच्छा, मोबाइल फोन को कनेक्ट करने से पहले हम एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पे एंड्रॉइड स्टूडियो, अभी एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में आपको हमारा रियल डिवाइस नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना। अब मैं हमारे फोन को कनेक्ट करती हूँ लैपटॉप से या फिर आपका जो भी डेस्कटॉप है उससे यूजिंग चार्जिंग केबल। तो जैसे ही हम फोन को कनेक्ट करेंगे ना चार्जिंग केबल से, तो आपको आपके डिवाइस में, रियल डिवाइस में एक मैसेज आएगा। वो मैसेज होगा अलाउ यूएसबी डिबगिंग, ये आपको आपके रियल डिवाइस में आएगा। तो यहां से क्या करना है, आपको इसको अलाउ पे क्लिक करना है। आप आपके रियल डिवाइस में चेक कीजिए, आपको ये वाला मैसेज आएगा, ठीक है। यहां से जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो आपको आपका रियल डिवाइस यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये शो नहीं हो रहा ना, अभी मैं जैसे ही मेरे मोबाइल फोन में इसको अलाउ करूंगी ना, अलाउ यूएसबी डिबगिंग को, तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। ये देखिए, ये शो हो गया। अब हम यहाँ से इसको मिरर कर सकते हैं, तो जो हमारा रियल डिवाइस है वो मुझे यहाँ पे लैपटॉप में या फिर आपका डेस्कटॉप है उसमें आपको मिरर हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट मिररिंग करेंगे। ये देखिए, ये है मेरा रियल डिवाइस। अब हमें क्या करना है, ऑटोमेशन कोड हमें किसके लिए राइट करना है, डायलर को ऑटोमेट करने के लिए। तो ये है डायलर, इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जब हम ये डायल पैड इस पे क्लिक करेंगे और कोई भी नंबर हम जब यहाँ पे एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, तो उस नंबर पे कॉल जाना चाहिए। तो ये डायलर हम ओपन करेंगे, हमारे क्या क्या स्टेप्स होंगे, हमारे स्टेप्स होंगे डायल पे क्लिक करना है, फिर ये डायलर ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमें नंबर टाइप करना है। नंबर एंटर करने के बाद हम कॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो कॉल चली जाएगी, ठीक है। ये है हमारे स्टेप्स। अब इन्हीं स्टेप्स को हमें ऑटोमेट करना है, तो ऑटोमेशन कोड राइट करने के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास शॉर्टकट क्रिएटेड है एक्लिप्स आईडी का, इस पे मैंने डबल क्लिक किया और ये वर्कस्पेस हम लोगों ने पहले के सेशन में क्रिएट किया है। एपीएम नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है डेस्कटॉप पे और इसी को हम लोगों ने वर्कस्पेस सेट किया था। मैं इसको ऐसे रहने देती हूँ और यहाँ पे हम लॉन्च पे क्लिक कर देंगे वर्कस्पेस लॉन्च करने के लिए। और ये रहा एपीएम डेमो प्रोजेक्ट, ये मेवन प्रोजेक्ट हम लोगों ने पहले के सेशन में क्रिएट किया था। ये हम लोगों ने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था पहले के सेशन में, ये वही सेम प्रोजेक्ट है। एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में पहले के सेशन में हम लोगों ने डेमो पैकेज क्रिएट किया था और इसमें हम लोगों ने ये दो हमने प्रैक्टिकल किए थे, एपीके इंस्टॉल करने का और कैलकुलेटर को ऑटोमेट करने का। अब आज के सेशन के लिए भी हम एक नई जावा फाइल क्रिएट कर लेते हैं आज के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो इस डेमो पैकेज पे मैंने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, जावा फाइल क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे हम दे देते हैं क्लास का नाम, मैंने दे दिया ऑटोमेट डायलर। और हमें इसमें मेन मेथड चाहिए, तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को हमने चेक कर दिया एंड फिनिश। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया ऑटोमेट डायलर के नाम से और हमने इसमें एक मेन मेथड भी ऐड कर लिया। अब लास्ट सेशन में हम लोगों ने जब कैलकुलेटर को ऑटोमेट किया था तो हमने यहाँ पे कोड राइट किया था, कोड ऑलमोस्ट सेम यही रहने वाला है। तो मैं ये सारा का सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, इसी में हम मॉडिफिकेशन कर देंगे।
और साथ साथ मैं आप लोगों को कोड भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा डिवाइस है उसकी हमें डिजायर्ड कैपेबिलिटीज चाहिए, वो हमें यहाँ पे डिजायर्ड कैपेबिलिटीज हमने यहाँ पे एंटर की है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया डिवाइस का नाम 1+2001, ये हमें यहां से मिल जाएगा डिवाइस का नाम, ये देखिए 1+2001 ये है डिवाइस का नाम, ठीक है। डिवाइस के नाम के बाद आ जाएगा प्लेटफॉर्म, ये भी हमें यहीं से मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म हमारा एंड्रॉइड है। ऑटोमेशन नेम यूआई ऑटोमेटेड 2, जब हम एपीएम सर्वर स्टार्ट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑटोमेशन नेम यूआई ऑटोमेटेड 2, ठीक है। यही हमने यहाँ पे एंटर किया है। प्लेटफॉर्म वर्जन है 12 और कैपेबिलिटीज में यहाँ पे हमें देना है ऐप पैकेज। अब मैंने आप लोगों को बताया था जो भी नेटिव एप्लीकेशन होती हैं उनका हमें यहाँ पे ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी देना होता है। जो हमने कैलकुलेटर वाला डेमोन्स्ट्रेशन किया था कैलकुलेटर ऑटोमेशन का, तब ये सारा एक्सप्लेन किया था मैंने आप लोगों को। एक होता है ऐप पैकेज, दूसरी होती है ऐप एक्टिविटी। अभी हम ये कैसे मिलेगा ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है एपीके इन्फो के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल हमारे फोन में आपको एक ये आपको आपके फोन में ये एपीके इन्फो ये आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और जैसे आप इस एपीके इन्फो इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप जितने भी एप्स आपके फोन में उसके लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ से आप फोन का जो डायलर है वो सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे सर्च ऐप में ना, यहाँ पे शायद फोन के नाम से होगा, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है, हाँ ये है ना फोन। अब ये देखिए ये है हमारा डायलर, ठीक है। अब यहाँ पे com.google.android.dialer ये हो गया ऐप का पैकेज, एग्जैक्टली यही चाहिए आपको com.google.android.dialer ये हो गया ऐप का पैकेज। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे मिलेंगे एक्टिविटीज। अब यहाँ पे आपकी 99 एक्टिविटीज आपको दिख रही हैं। इसमें जो पहला वाला एक्टिविटी है ना फोन एक्टिविटी, ये वाला एक्टिविटी है हमारा, या तो आप यहां से देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज है, ठीक है, यहां से देख सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका है यूजिंग एडीबी शेल, दूसरा तरीका है यूजिंग एडीबी शेल, वो भी मैं आपको बताती हूं। इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमें क्या करना होगा एडीबी शेल यूज करने के लिए, वो तो एक मैंने आपको पहला तरीका बताया एपीके इन्फो के थ्रू। दूसरा है एडीबी शेल, एडीबी शेल में हमें क्या करना है, हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके हमें एंटर करना है एडीबी शेल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं टाइप करूंगी एडीबी शेल एंड एंटर। अभी हमारा ये शेल आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको जिस भी एप्लीकेशन का ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी चाहिए उस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है आपके रियल डिवाइस में, ठीक है। उसको आपके रियल डिवाइस में ओपन करके रखना है, उसको क्लोज होने नहीं देना या उसको मिनिमाइज होने नहीं देना है। आपके एंड्रॉइड फोन में उसको आपको ओपन करके रखना है उस ऐप को। ओपन करने के बाद आपको ये कमांड एंटर करना है डमसिस विंडो डिस्प्ले, ये पाइप कमांड है, फिर grep-e सिंगल कोट्स में m करंट फोकस, ठीक है, ये कमांड एंटर करना है। मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ ये कमांड, क्योंकि ये क्या करेगा आपका जो ऐप फोकस में होगा ना उसका आपको ऐप पैकेज और ऐप इन्फो देगा, ऐप एक्टिविटी देगा जो आपका फोकस में होगा, तो इसलिए उसको फोकस में रखना जरूरी है आपके एंड्रॉइड फोन में। डमसिस विंडो डिस्प्लेस grep-e सिंगल कोट्स में m करंट फोकस कोर्स क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर करने से पहले अगेन आप एंश्योर कर लीजिएगा कि आपका ऐप फोकस में है, ठीक है। आप अपने फोन से उस ऐप को ओपन कर लीजिए तो आपका वो फोकस में आ जाएगा।
ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपका जो रियल डिवाइस है वहां जा करके आपको ऐप को ओपन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये है ना, ये मेरा रियल डिवाइस है, तो बस यहाँ पे फोकस में लाने के लिए मैं बस इसको ओपन कर दूंगी। अभी हमारा फोकस में आ गया। अब जैसे ही हम ये कमांड एंटर करेंगे ना, तो जो ऐप मेरा फोकस में है ना, उसका ऐप पैकेज और ये ऐप एक्टिविटी हमें मिल जाएगा। ठीक है, बस हम यहीं से कॉपी कर लेंगे। तो ये मैं यहां से कॉपी कर लेती हूँ और यहीं से हम हमारे कोड में इसको यूज कर लेंगे। कंट्रोल सी। ये है हमारा ऐप का पैकेज स्लैश के पहले तक। ये लास्ट सेशन में हमने कैलकुलेटर का डाला था, अभी हम डायलर का डाल रहे हैं। और ये आ जाएगा इसकी एक्टिविटी। ठीक है, ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे कंट्रोल बी पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। URI यही रहने वाला है। यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे इसका पैकेज इंपोर्ट करना होगा। अच्छा, थ्रो डिक्लेरेशन ऐड नहीं किया इसीलिए। थ्रो डिक्लेरेशन ऐड कर दिया। ये यहाँ पे URI यही रहेगा। ये URI हमें कहाँ से मिला था? ये URL हमने क्रिएट किया था ना, ये URL ये कहाँ से मिलेगा? तो जब हम APM सर्वर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है ये URL। ये देखिए, ये यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे हमने एक URL क्रिएट कर लिया, यहाँ पे हमने एंड्रॉइड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हमें दो आर्गुमेंट देने हैं, एक URL दूसरी कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज ये वाली है और URL हमने जो ये क्रिएट किया था ये URL है। फिर यहाँ पे हमने एक स्लीप ऐड किया है थोड़ा डिले ऐड करने के लिए, 5 सेकेंड्स का स्लीप है ये। और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट टाइप किया है एप्लीकेशन स्टार्टेड का, ये कॉन्सोल पे प्रिंट होगा। अब इसके आगे से हमारा कोड यहाँ से चेंज होने वाला है। अब हमें यहाँ पे जो भी नंबर डायल करना है ना, वो नंबर हमें यहाँ पे उन वेब एलिमेंट्स को हमें फाइंड करना है और उस पर हमें क्लिक एक्शन करना है। क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं ना, हम फोन में नंबर कैसे डायल करते हैं? जैसे हमें फोन में नंबर डायल करना होता है ना, एग्जैक्टली वही वही स्टेप्स हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी एक बार हम वो सारे स्टेप्स करके देख लेते हैं रियल डिवाइस में, उसके बाद यहाँ पे हम कोड राइट करना स्टार्ट करें। अब यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं, उस नंबर को हमें डायल करना है हमारे रियल डिवाइस पे। तो यहाँ पे मैंने एयरटेल का कस्टमर केयर नंबर लिया है, ये एयरटेल स्टोर का नंबर है, इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए। ठीक है, हमें इस पे डायल करना है, तो मैं इसको यहाँ पे कोड में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये मोबाइल नंबर हमें डायल करना है हमारे फोन से, इसके लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। तो 0981001 2 3 4 5 ये है नंबर। ठीक है, तो हम कैसे ऑटोमेट करेंगे इसको? तो हम चलते हैं हमारे रियल डिवाइस में। ये है हमारा रियल डिवाइस। तो हमें सबसे पहले तो हमें ऐप को लॉन्च करना है। ठीक है, तो ऐप लॉन्च कैसे होगा? यहाँ पे हमारा ऐप लॉन्च हो गया। अब लॉन्च होने के बाद हमें डायल पैड चाहिए नंबर डायल करने के लिए। तो डायल पैड कैसे आएगा? जब हम इस मोबाइल एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें डायल पैड मिलेगा। इस पे हमें क्लिक करना होगा तब हमें डायल पैड मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें इस वेब एलिमेंट को हमें इंस्पेक्ट करना होगा, जिससे कि हमें इसकी डिटेल्स मिल सके, क्योंकि हमें इस पे क्लिक एक्शन करना है ना, हमें इस पे क्लिक एक्शन करना है। तो अब इंस्पेक्ट कैसे करेंगे? तो इंस्पेक्ट करने के लिए हमारे पास APM इंस्पेक्टर है, तो APM इंस्पेक्टर भी ओपन कर लेते हैं। अभी APM इंस्पेक्टर ओपन हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है? रिमोट होस्ट आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, वो 127.0.0.1 होना चाहिए इसका एड्रेस, रिमोट पोर्ट 4723 होना चाहिए और रिमोट पाथ में सिंगल स्लैश आएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे डिजायर्ड कैपेबिलिटीज एंटर करनी है। तो ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट सेशन में सेव किया था डिजायर्ड कैपेबिलिटीज 1+2 के नाम से, और मैंने यहाँ पे 1+3 के नाम से भी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसको ही ओपन करती हूँ। यहाँ पे आ गया प्लेटफॉर्म का नाम, एंड्रॉइड आएगा, UI ऑटोमेशन नेम UI ऑटोमेटेड 2 आएगा, डिवाइस का नाम आ जाएगा 1+AC2001। ये सब हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी। अब ऐप पैकेज ऐप एक्टिविटी कहाँ से मिलेगा ये मैंने आप लोगों को बताया है। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है APK इन्फो, ये एप्लीकेशन आपको आपके मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल करना होगा और वहां से आपको मिल जाएगा ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी। दूसरा ऑप्शन है ये ADB शेल का,
एडीबी शेल में जाकर के आपको ये कमांड एंटर करना है, ठीक है। और यहां से ये है ऐप पैकेज, और फिर जैसे आप ये कमांड एंटर करेंगे आपको ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी दोनों मिल जाएगा। लेकिन आपको इस कमांड को एंटर करने से पहले एंश्योर करना है कि जो आपका एप्लीकेशन है वो फोकस में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी वहीं से लेकर के एंटर किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐप पैकेज और ये हो गया हमारा ऐप एक्टिविटी, बस आपको एंटर कर देना है, वहां से कॉपी और पेस्ट करना है। ये करने के बाद आप सेशन को एक बार सेव कर लीजिए, कैपेबिलिटीज को आप एक बार सेव कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे स्टार्ट सेशन करेंगे तो क्या होगा, जो आपका डिवाइस है वो आपको यहाँ पे एपीएम इंस्पेक्टर में डिवाइस की जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो मैं यहाँ से सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है सेशन क्रिएट होने में, सेशन स्टार्ट होने में, तो मैं एक बार यहाँ से इसको क्लोज करती हूँ और एक बार फिर से हम एपीएम सर्वर स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ऐसे जब बहुत ज्यादा टाइम लगे तो हमें दोबारा से स्टार्ट कर लेना चाहिए, ज्यादा वेट नहीं करना। और यहां से मैं एंड्रॉइड स्टूडियो भी क्लोज कर देती हूँ। अब फिर से एपीएम इंस्पेक्टर स्टार्ट करती हूँ। अभी एपीएम इंस्पेक्टर स्टार्ट हो गया, अब सेव कैपेबिलिटीज में चलते हैं और यहां से हम ओपन कर लेते हैं 1+3 ऑलरेडी सेव कैपेबिलिटीज में से। प्लेटफॉर्म नेम, ऑटोमेशन नेम, डिवाइस नेम, ऐप पैकेज, ऐप एक्टिविटी, ये सारा हमने एंटर कर दिया। अब हम यहाँ से सेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं। जब आप सबको दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो आपको आपके मोबाइल डिवाइस से अलाउ यूएसबी डिबगिंग फिर से अलाउ करना होगा, इसलिए एरर आया है क्योंकि मैंने अलाउ नहीं किया, ठीक है। अब जैसे हम सेशन स्टार्ट करेंगे एक मोबाइल डिवाइस पे एक मैसेज आएगा अलाउ यूएसबी डिबगिंग का, उसको यहाँ पे स्टार्ट करना होगा, ठीक है। ये देखिए सेशन क्रिएट हो गया और ये रहा मेरा मोबाइल का स्क्रीन, यहाँ पे ये दिख रहा ना, ये है मेरे मोबाइल का स्क्रीन, डिवाइस का स्क्रीन, रियल डिवाइस का स्क्रीन। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें डायल पैड पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे हमें क्लिक एक्शन करना है ना, तो यहाँ पे मैं इस पे इस बटन को हमें फाइंड करना है। सबसे पहला काम है हाँ कि हमें जैसे हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होगा हमें इस बटन पे क्लिक करना है, ये डायल पैड पे, तो इसको सिलेक्ट करके इस पे हमने क्लिक किया। अब ये है हमारा एलिमेंट, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। इसको हम लोकेट कैसे करेंगे, रिसोर्स आईडी से लोकेट करेंगे। तो ये रहा इसका रिसोर्स आईडी, इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया, बस इस पे क्लिक करते ही ये कॉपी हो जाता है, मैसेज आ गया ना कॉपीड। अब इसको हमारे कोड में हम यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्लिक करना है डायल पैड पे, क्लिक डायल पैड, ठीक है। तो डायल पैड को हम पहले फाइंड करेंगे फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करके, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, और यहां पे हम दे देते हैं डायल पैड का रिसोर्स आईडी जो हमने अभी अभी कॉपी किया है एपीएम इंस्पेक्टर से। ये रहा डायल पैड का रिसोर्स आईडी और यहाँ पे डॉट क्लिक। आप चाहें तो दो लाइन में भी क्लिक कर सकते हैं, ये मैंने सिंगल लाइन में क्लिक किया है। एक बार आप वेब एलिमेंट को फाइंड कीजिए फिर उस पर क्लिक कीजिए, जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में कैलकुलेटर के लिए किया था। पहले हम वेब एलिमेंट को फाइंड कर रहे थे, फिर उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे, वेब एलिमेंट वेरिएबल में, फिर उसके बाद उस वेब एलिमेंट पे हम क्लिक एक्शन कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने टू लाइंस में क्लिक एक्शन परफॉर्म किया था, और हम चाहें तो सिंगल स्टेटमेंट में भी क्लिक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहीं पे हमने क्लिक मेथड को कॉल कर लिया, तो हमने डायल पैड पे क्लिक कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, डायल पैड पे क्लिक करने के बाद हमें नंबर डायल करना है,
नंबर डायल करना है। तो ये देखिए डायल पैड पे क्लिक किया तो हमें ऐसी स्क्रीन आएगी यहाँ पे, एपीएम इंस्पेक्टर में रिफ्रेश। अब डायल पैड पे क्लिक करने के बाद हमें क्या स्क्रीन मिलेगी, उस स्क्रीन को यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में वो स्क्रीन दिख रही है। ऐसी स्क्रीन आएगी, इसमें हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो मोबाइल नंबर जो हमारा है वो हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें 9 सबसे पहले एंटर करना है, तो ये रहा नंबर 9, इस पे हम सेलेक्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट, ये सेलेक्ट नहीं हुआ। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। जैसे यहां पे नंबर 1 पे क्लिक किया मैंने, अभी भी प्रॉपरली क्लिक नहीं हुआ। आई थिंक अभी ये प्रॉपरली क्लिक हो गया, अभी प्रॉपरली सिलेक्ट हुआ हमारा डायल पैड का नंबर 1, और ये है इसका आईडी। तो ये मैं यहां से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। क्योंकि आगे भी ना, जैसे यहाँ पे /1 है तो नंबर 2 के लिए यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा, 3 के लिए 1 की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेती हूँ। तो डायल पैड पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है हमारे मोबाइल नंबर पे, सारे नंबर हमें डायल करने हैं। तो सबसे पहले तो 0 चाहिए हमें, तो ये यहां से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ये है रिसोर्स आईडी 1 का, इसी में हम 0 के लिए मॉडिफिकेशन कर देंगे। ये 1 है, ये 0, सबसे पहले 0 आ गया, फिर 9 आएगा, 0 पे क्लिक किया, फिर हमें यहाँ पे 9 पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद हमें डायल करना है 9 के बाद 8, फिर उसके बाद हमें डायल करना है 8 के बाद 1, फिर उसके बाद हमें डायल करना है 1 के बाद अगेन 2 बार 0। जीरो जीरो, और उसके बाद हमें डायल करना है 1 2 3 4 5। तो यहां पे 1 2 सॉरी 3 4 एंड लास्ट में 5। अभी हमने ये सारे नंबर्स तो डायल कर लिए, एग्जैक्टली ये जो हमने मोबाइल नंबर डिसाइड किया था कि हमें इस पे कॉल करना है, ये सारे नंबर हमने टाइप कर लिए, 0 9 8 1 00 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी नंबर डायल करने के बाद हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रियल डिवाइस है, अब यहां पे मैंने नंबर डायल कर दिया 9 8 1 00 1 2 3 4 5। अभी नंबर डायल करने के बाद क्या करना है, हमें हमें कॉल बटन पे क्लिक करना है। तो हमें क्या करना होगा, इस ग्रीन वाला जो कॉल बटन है इसको भी हमें आइडेंटिफाई करके इस पे भी हमें क्लिक एक्शन करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉल चली जाएगी, है ना, ये कॉल चली जाएगी। तो हमें ये कॉल बटन भी आइडेंटिफाई करना है। तो यहां से स्क्रीन को कर लेते हैं रिफ्रेश। ये हमारे एपीएम इंस्पेक्टर में आ गए हम, क्योंकि बटन को तो इंस्पेक्ट हम यहीं से करेंगे, एपीएम इंस्पेक्टर से ही करेंगे, और यहाँ पे हमें कॉल बटन को इंस्पेक्ट करना है, ठीक है ना। और ये है हमारा कॉल बटन, इस पे क्लिक किया और ये रहा इसका रिसोर्स आईडी। क्योंकि हमें क्लिक एक्शन करने के लिए यहाँ पे एलिमेंट को फाइंड करना होगा, फिर तभी हम यहाँ पे क्लिक एक्शन कर पाएंगे। तो ये है इसका रिसोर्स आईडी, मैंने यहां से कॉपी कर लिया, इसको हम चल के एज इट इज अपने कोड में यूज कर लेंगे। तो ये स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं और यहां पेस्ट कर दिया, और यहां पे बस रिसोर्स आईडी हमें ये वाला डालना है, कॉल बटन वाला।
और यहाँ पे हमारे कोड में एक है एरर, यहाँ पे सब में हमने सिंगल स्लैश गलती से ऐड हो गया, ये सारा रिमूव करना होगा, अदरवाइज हमारा वेब एलिमेंट फाइंड नहीं होगा क्योंकि रिसोर्स आईडी गलत हो जाएगी। कि हमने कॉपी पेस्ट किया ना, तो ये सब में सेम एरर कॉपी हो गया। ठीक है, अब जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा जब इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे? तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे ये ऐप लॉन्च होगा, हमारा ऐप लॉन्च होगा। ऐप लॉन्च होने के बाद डायल पैड पे क्लिक होगा, डायल पैड पे क्लिक होने के बाद ये जो हमारा मोबाइल नंबर है ये वाला, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे हम डायल कर रहे हैं फाइंड एलिमेंट करके, सब पे क्लिक एक्शन कर रहे हैं 09812 8100 12345। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लिक किया हमने सारे नंबर्स पे, और यहाँ पे भी हम स्लीप डाल देते हैं, एक स्लीप हमने यहाँ पे डाला था, एक स्लीप हम यहाँ पे डाल देते हैं क्विट करने के पहले 5 सेकेंड्स का। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए राइट क्लिक किया, रन एस जावा एप्लीकेशन, और ये कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे डिवाइस में देखते हैं, ये देखिए एप्लीकेशन लॉन्च हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे इस डायल पर पैड पे क्लिक होना चाहिए, पर यहाँ पे डायल पैड पे क्लिक नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हुआ। एक बार सबको क्लोज कर देते हैं और एक बार सर्वर फिर से स्टार्ट करते हैं, कई बार ना ये गैप आ जाता है, डिले आ जाता है बहुत ज्यादा। आई थिंक कोड हमारा सही है, कोड में कुछ गलती नहीं लग रही मुझे, एक बार सर्वर फिर से स्टार्ट करते हैं। और सर्वर स्टार्ट करने के बाद यहां से एंड्रॉइड स्टूडियो भी हमें चाहिए, रियल डिवाइस को मिररिंग करने के लिए। अब यहाँ पे मोबाइल डिवाइस में एक मैसेज आएगा, जब भी हमें सब कुछ रीस्टार्ट करेंगे ना, एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट करेंगे, तो मोबाइल डिवाइस में अलाउ यूएसबी डिबगिंग का मैसेज आएगा, उसको हमें अलाउ जरूर करना है। अलाउ कर दिया मैंने, अब इसको यहाँ पे मिरर कर लिया। अब कोड को फिर से एक बार इस रन करके देखते हैं, आई थिंक कोड हमारा सही है, इसमें कुछ हमने गलत नहीं किया। ठीक है, कोड को फिर से स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, ये देखिए डायल पैड ओपन हो गया, अभी हमारा नंबर भी डायल हो रहा है। और यहाँ पे कॉल बटन पे भी क्लिक हो गया, अभी कॉल भी हमारी लग गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम ऑटोमेट करेंगे फोन डायलर को, और हमारा सेशन क्लोज हो गया लास्ट में। तो ये सारा का सारा जो भी कोड हम लोगों ने राइट किया है, सारा कोड मैं आप लोगों के साथ गिटहब पे शेयर कर दूंगी, उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।